तो गाइस डे टू, सो डे वन हमारी रिकवरी चल रही है, डे टू आज बैक। तो आज के वीडियो में नूर भाई बताएंगे मुझे फ्लेक्सिंग के साथ साथ पोजिंग, बिकॉज गाइस ही मिस्टर यूनिवर्स एंड वी आर 6 वीक्स आउट, 6 हफ्ते भाई, बिल्कुल 14th अप्रैल को है गाइस, मार्क योर डेट 14th अप्रैल। सो वी आर एग्जैक्टली 6 वीक्स। अब इन 6 वीक्स में बहुत कुछ बदल जाएगा। मेरा फोकस सिर्फ दो चीज़ों पर रहेगा, ए शोकेसिंग माई बॉडी, कि कैसे मैं अपनी बॉडी को दिखा सकता हूँ, और वो तभी होगा। दूसरा विच इज़ पोजिंग। यहाँ पे पोजिंग दो नहीं होती, यहाँ पे 4 मैंडेटरी पोजेज होते हैं, और वो कौन कौन से पोजेज होते हैं वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताएंगे गाइस। तो वर्कआउट चल रहा है अभी वी डूइंग बैक के साथ साथ वी डूइंग लॉट ऑफ फ्लेक्सिंग, ताकि मसल पूरा खुले। क्यों भाई? बिल्कुल खुलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन रोल तो यही है कि बॉडी दिखाना, बहुत मतलब बॉडी बनाना एक अलग चीज़ है, बॉडी दिखाना एक आर्ट, ठीक है ना। तो वो आर्ट अगर आप सीख लेते हो तो स्टेज पे आगे आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते, कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त होता है, और होना भी चाहिए। इस बार तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई से कुछ भी एक्सपेक्ट, मैंने तो किया नहीं कि वहाँ पर जाके ये वो कुछ मतलब ऐसा कुछ करे कि जिससे मतलब ज़रा भी लगे, क्योंकि पहले तो बहुत कुछ समझ सकते थे सभी लोग के फर्स्ट टाइम था, बट अब एक्सपीरियंस काफ़ी है और जोश तो भाई का देख ही रहे हो आप। तो गाइस मैंने पिछली बार एक चीज़ नोट करी थी विच इज़ ट्रू, कि मैं कंपटीशन से पहले बहुत अच्छा दिख रहा था, मेरी कार्ब लोडिंग भी अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, वाज लुकिंग फिनोमिनल स्टेज के नीचे। क्या याद है ना आपको? बिल्कुल, सेकंड में मतलब फर्स्ट डे सेकंड आई वाज लुकिंग अमेजिंग, बट स्टेज पे जाके, और कई लोगों ने, लड़कों ने कमेंट भी करा कि भाई आप इतने रिप लग रहे थे बाहर, और स्टेज पे ऐसा लग रहा था जैसे आप पानी होल्ड करा हुआ आपने, लेकिन वो मुझे पोज करना नहीं आ रहा था। नहीं, एक्चुअली में क्या है, देखो दो चीज़ होती है, वाटर होल्डर्स ये साइकोलॉजिकल बहुत बंगला होता है कि आप ना पानी पी के भी मतलब बॉडी में वाटर होता है मगर आपकी बॉडी पे शो नहीं होता, आपकी बॉडी पे नहीं शो होगा। वो एक मैच्योर एथलीट की कहानी क्या होती है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि वो शो होने ही नहीं देता, और आप उसको देख ही नहीं पाते हो, वो बचा लेता अपने आपको। और जो नर्वस, जैसे आपकी कितनी अच्छी बॉडी है, जो इंसान कहता है ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, घबरा गए होंगे, ये नहीं रियलिटी बात है, वो एक्सपीरियंस नहीं है जो मतलब स्टेज का होता है। तो बॉडी को जिस तरीके से नीचे दिखा रहे थे ना एक इंसान को, यानी कि मेरे सामने जो कर रहे थे या आप लोगों के सामने जो कैमरे पे कर रहे थे, वो सामने बैठे वालों के सामने का एक्सपीरियंस नहीं था भाई को। करेक्ट। तो वो अपनी बॉडी को वहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहे, होल्ड नहीं कर पा रहा था मैं। तो जैसे अगर मैंने इसे होल्ड करा हुआ है, वहाँ पे क्या होता था, मैं हाँ छूट रही थी मेरी बॉडी ना, लाइक एक होता है ना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मैं इसमें अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं, क्योंकि सामने शीशा नहीं है, सामने एकदम फ्लैट है, आदमी बैठे हैं सब लोग, उनसे आपको उनकी आंखों में आके डाल के पोज देना है। बट क्या होता है कि ये ऐसे में सही, अब आप ऐसे खड़ो ना कि एक मैच्योर एथलीट को मालूम होता है कि मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, वो मजबूर कर देता है सामने वाले को, मैं बेस्ट हूँ, जज को एकदम क्विकली जज उसको ले लेता है, उसका कॉन्फिडेंस पोज ही होता है। और एक होता है जब कोई नया जाता है वो बहुत अच्छी बॉडी लेके जाता है, बट उसके दिमाग में एक्सक्यूजेस रहते हैं, अपने आप से सवाल रहता है, एब्स दिख रहे हैं, वो हमेशा पहचान लोगे आप उसको क्विकली, वो हमेशा हाँ ऐसे खुद ही जज कर रहा होता पहले। लेकिन बस इस बार ही नहीं है, इस बार ही नहीं इस बार ही, अगर पैकेज पिछली बार 9 था तो इस बार 10 जाएगा। अब देखो मैच्योरिटी का सबूत भाई ने दे दिया है कि उन्होंने खुद अपनी एक माइनस पॉइंट बताया, खुद अपना बताया कि वो गलत कहाँ थे। अब जब इंसान को पता चल जाए कि मैं गलत कहाँ हूँ, और उसके ऊपर तो वो खुद ही काम करके आता है ना भाई। होल्ड नहीं कर पा रहा था मैं गाइस, अब होल्ड करना आ गया। ऐसा होल्ड होगा कोई होल्ड छुड़वा नहीं सकता। अब आप मुझसे 1 मिनट पकड़ पा रहे हो, 2 मिनट पकड़ पा रहे हो, तो मैं वो छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज इस बार ही छोड़ने का मतलब है हार, और हार बर्दाश्त नहीं। अब back let's do this back to back 3 4 5 6 7 8 okay may I be wrong 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 din pehle condition come on 10 8 reps 1 2 3 4 5 6 come on 7 8 9 बढ़िया
सो भाई को ना सेट के साथ में हम पोजिंग करा रहे हैं ताकि पोजिंग ऐसी कि थके हुए तो हैं और थका दें, वहाँ भी नहीं थकेंगे फिर। इट्स अबाउट होल्डिंग इट यार, जब तक होल्ड करना नहीं आएगा ना गाइस, आपकी जितनी मर्जी अच्छी बॉडी हो दिखती हो गई भाई, का मतलब यही कहने का कि जब तक दिखानी नहीं आएगी ना अच्छी से अच्छी बॉडी दिखती नहीं है, दिखती नहीं, फ़ायदा नहीं है उसका। मसल बनाने का असली फ़ायदा तब है कि आप मसल को शो भी कर सको, वो भी खूबसूरत तरीके से। और गाइस मैं समझ चुका हूँ कि जैसे भाई ने बोली अभी बात कि अगर आपकी बॉडी चार भी हो ना, एक अच्छे एथलीट को उसको 10 दिखाना आता है अपने बेस्ट पोजेस देखे, लेकिन एक नए भाई की पहचान ही होती है, अगर उसकी बॉडी 9 होगी ना वो दिखा नहीं पाएगा वो चार। भाई एक बात बताऊँ रियलिटी, देखो मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, आप लोगों ने देखा है कि जब भाई को वहाँ पे लेके गए थे ना कॉम्पिटिशन में, रियलिटी में मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि दिख ही नहीं रहा था कोई, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था और हर एक चीज़। ये भाई ने अपने आप भी आज बोला है इस चीज़ को, रियलिटी में फैक्ट है ये कि स्टेज पे जाने के बाद, नहीं तो स्टेज से नीचे तो अल्टीमेट हर बंदा देख के हो रहा था कि भाई क्या हो गया, शॉकिंग था हर बंदा, बट होता है। मैं इतना ड्राई था गाइस, मैं इतना ड्राई था कि मेरे लिप्स तक ड्राई हो गए थे, मेरी बॉडी इतनी ड्राई थी। और नेक्स्ट वाले में देख लो, ज़बरदस्त करा, होल्ड करा, 2 मिनट में खेल गया और जज आ गए अपना भी पहली वाली में कि यार क्या दिन है, कुछ लगी रहता है अल्टीमेट वहाँ पे। और शुरू में भी डे 1 में अगर मैं 6 था, डे 7 डे 2 में मैं 7 आ याद भाई बॉडी में, मतलब मैं और ड्राई होता जा रहा था। तो वो यही है कि आपको दिखाना डे 7 में अगले दिन, तो भाई को मैंने बोल दिया था भाई अगर आपने होल्ड कर दिया आज स्टेज पे और रियलिटी में और वहाँ पे पोजिंग होती, सब कुछ बदल जाता उस दिन, सारे डिसीजन चेंज हो जाते। बाय गॉड इतने ड्राई थे रियलिटी में, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था डे 2 में गाइस, इतना कॉन्फिडेंट था बिकॉज मैं डे 1 से सीख चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मौका नहीं मिला पोजिंग करने का, बट दैट्स ओके, दैट्स लाइफ, जो भी दैट्स का डिसीजन सारा खुद पे। बट अब जैसे कहते हैं ना, तो वो यहाँ पे लेके घूम रहा हूँ मैं, उसका जो दर्द है आएगा, वो भी आएगा, और उसको मैंने कर दिया चैनलाइज कि गाइस एक मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ थ्रू दिस वीडियो, जितने भी बॉडी बिल्डर्स लोग देख रहे हैं, एथलीट्स देख रहे हैं, कभी भी ना एथलीट्स को हार बर्दाश्त नहीं होती किसी को भी, लेकिन मैंने क्या देखा है कभी जब वो किसी स्टेज पे हारते हैं ना, सो दे क्वेश्चन द जजेस को क्वेश्चन करते हैं कि अरे यार मैं बेटर था, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो भी जजेस का डिसीजन हो ना एक्सेप्ट इट। कभी कभी आपको लगेगा कि वो बायस है, कभी कभी आपको लगेगा कि वो हाँ ठीक है गलत है, लेकिन वी आर नोबडी टू क्वेश्चन इट, वी आर एथलीट्स। एथलीट का काम होता है स्टेज पे जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, बाकी आपको जजेस पे छोड़ना है, लेकिन कभी भी नेवर डिसरिस्पेक्ट द स्टेज बाय डिसरिस्पेक्टिंग द जजेस। भाई सिंपल है ना, देखो जो जज आज तुम्हें 5वें 6ठे पे रख रहे हैं, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे और बेस्ट दिखोगे तो वही तुम्हें फर्स्ट भी तो देंगे ना, जब आप डिजर्व करोगे, फिर आप उनको क्या करोगे, आज तो गाली दे दोगे फिर कल क्या करोगे तारीफ करने लगे, वो गलत। जो आप डिजर्व करते थे उन्होंने दिया, हाँ 19-20 हल्का फुल्का हो जाता ऊपर नीचे, मगर ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही एकदम कहीं गलत थे तभी उन्होंने हटा दिया। बिल्कुल, तो वो मैंने बहुत चीज़ सोची गई, सो फिर मुझे लगा कि यू नो व्हाट हैपेंस, और अगर आपने मेरी पूरी जर्नी देखी हो गाइस, I never said anything about the stage and I never will because यार it's a big stage. बिल्कुल सबके साथ होता है यार, मेरी गलती है, I wasn't good enough, maybe I wasn't ready enough. तो बट अच्छे एथलीट हैं जो 5-5 साल से कम्प्लीट कर रहे हैं, वो नहीं जीत नहीं जीत पाते, सो वॉट सो वॉट, बट एक जज्बा होता है खेलने का और वो जज्बा कायम है, कोशिश करूँगा कि वो कायम रहे। मैं तो थैंक्स कहना चाहता हूँ NPC के सारे जजेस को कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को एक ऐसी जज्बात दे दिया, ऐसा बना दिया उसको, वो एक एथलीट बनने पे मजबूर कर दिया भाई को, और उसके बाद में उनकी सोच ऐसी होती जा रही है कि डे बाय डे वीक बाय वीक कॉम्पिटिशन्स की बातें और कॉम्पिटिशन खेलना देखो, फिर उसके बाद में उन्होंने अपना रियलिटी में जो गेम है वो उसमें आए, वो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन खेला, सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद आज खेलने जा रहे हैं, कम्प्लीट कर रहे हैं, मगर आपसे मिलना ज़रूर होगा सभी लोगों से सबसे। तो गाइस जो जो मेरा लाइफ में जब भी कोई अधूरा काम रहा है ना वो कंप्लीट करते हैं भाई, हमेशा पूरा करा है। तो पिछले साल मैं शायद नहीं था, मैं आई वॉज रेडी इनफ, मेरी गलती है यार नहीं था, लेकिन इस साल नहीं बस छोड़ूंगा नहीं, जजेस वही होंगे, स्टेज भी वही होगा, स्टेज भी वही होगा, लेकिन डिसीजन बदलेंगे इस बारी डिसीजन बदलेंगे गाइस, और इस बारी मैं समझ चुका हूँ कि कैसे बदलना, 19-20 लेके नहीं जाना गाइस,
कि ये बेटर है, शायद ये बेटर नहीं। देखो भाई मैं तो ये गलती में 19-20 आप तब भी नहीं थे इस बात को पब्लिक जो आपका था ना वहाँ पे 19-20 थे बॉडी को लेके, नहीं बॉडी तो अल्टीमेट थी वहाँ पे, जो गलती हुई थी स्टेज वाली जिससे मैंने बहुत से जज भी डिसअपॉइंटेड हुए थे कि इतनी अच्छी फिजिक आप शो नहीं कर पा रहे हो रियलिटी में, उनको भी एक्सपेक्ट नहीं था कि, बट वो भी ठीक है वो समझ गए थे कि हाँ फर्स्ट टाइम किया है तो इसी वजह से। लेकिन आपका प्यार मिला बहुत ज़्यादा मिला है, प्यार मिला कि अब एथलीट बना दिया भाई, एथलीट बना दिया। लेकिन गाइस मैं बता रहा हूँ जो चीज़ सोची है ना वो पूरी ज़रूर करता हूँ मैं, चाहे जो मर्जी हो जाए समझ रहे हैं। ये आप मेरे बारे में जानते हो, अगर आप मेरी 5 सालों से 4 सालों से यूट्यूब पर जर्नी देख रहे हो, जो जो बोला है वो करा है, करेंगे अभी अभी ये ठाना है करने की तो करके रहूँगा, चाहे मेरे आगे कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए तो आपको पता जब तक करूँगा नहीं रुकूँगा नहीं। तो लाइफ का जज्बा है, आपने अपना नेचर है, अपना एटीट्यूड है, और पहले तो था ही बट अब भाई ने एथलीट बना दिया है, अब थोड़ा सा और कट्टर हो गया मैं इन चीज़ों को लेके कि करना है तो बस करने से आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो एथलीट से चैंपियन भी, और चैंपियन से बहुत कुछ बनने वाले हैं भाई आगे, NPC में ज़रूर मिलेंगे। ये हो गया ना भाई, 4 हो गए क्या है? 4 हो गए भाई, 4 नहीं भाई अभी और करना है इसके, कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, 4 नहीं है वो 3 सेट हैं, ये 2 का 1 है भाई। हाँ हाँ वही हाँ। तो वो तो 3 सेट हुए ना, पहला वाला तो गिनो ही मत, 1 2 3 खींचो भाई वैसे ही खींचो, 4 5 6 7 8 ओके। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 भाई 10 हुए, 15 बोले 15। सो गाइस अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, वर्कआउट बहुत एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, आज तो सिर्फ डे 2 है, वी हैव 45 डेज ना भाई, 45 डे हम तो मगर 25 दिन पहले ही फॉर्म निकाल लेंगे कंप्लीट, पक्की बात 20 दिन पहले। सो वो फॉर्म कैसे आएगी, यू हैव टू वॉच एंड वेट एंड वॉच ऑल द वीडियोस, लेकिन अभी बैक के बाद यू हैव टू डू सम पोजिंग, बिकॉज जो मेरी पिछली बार की गलती थी ना, आई डोंट वांट टू मेक दैट सेम मिस्टेक अगेन, कौन कौन से पोजेज हैं, किस तरीके से दिखाने हैं और इस तरीके से मास्टर करने कि आपकी वीकनेस भी स्ट्रेंथ लगे, लेकिन मैं इसको तो अपनी स्ट्रेंथ बना लूँगा, और बस यही दिमाग में ठाना हुआ फोकस यही है कि माय पोजिंग हैज़ टू बी टॉप नॉच। यस बढ़िया, इंडिया का टॉप पोजर बनना है यार, कि कैसे बेस्ट पोजर कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी को द मूव द ट्रांजिशंस हर चीज़, लचक चाहिए, लचक याद है, लचक चाहिए लचक ना, यहाँ पर स्विफ्ट देख के भी लोगों को मज़ा आया कि यार एक डांसर नहीं होता, आई स्लो में आना, एक स्मूथनेस पोज के अंदर, फ्लैक्सीबलिटी, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस हैं, बट ये है कि मैं इन सब चीज़ों से भाई थोड़ा वो रहता हूँ कि कुछ हो ना हो, जब आप जो जो पोज बनाओ उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, अगर आपके पोज में कॉन्फिडेंस है ना तो आप जजिस को उसी टाइम जीत लेते हो रियलिटी में, आपका क्या लचक वचक तो मैं खैर वो तो जब सोलो परफॉर्मेंस करते हो तब है, बट अभी जो मैंडेटरी 4 पोजेज होंगे वो बहुत अपोजिट है NPC और इसमें बहुत डिफरेंट, क्योंकि ये एक नेशनल्स फेडरेशन खेलेंगे हर देश की नेशनल, उनके जो टॉप के एथलीट होंगे वो अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें, आप अपना तो टॉप का मतलब क्या होता है वो एकदम लचक वचक सब लेके आने वाले हैं, मतलब उनकी जो पोजेज होंगे उनके जो कॉन्फिडेंस होंगे, मतलब कोई मिस्टर दुबई आएगा खेलने तो कैसा परफॉर्म करेगा, अब सोचो। बिल्कुल, तो ऐसे ही आपकी आपकी कैटेगरी में हर एक कैटेगरी के अंदर हर एक चैंपियन होगा अपनी कंट्री का, जो बेस्ट होगा वो आया हुआ, तो जो बेस्ट होगा वही खेलेगा वहाँ, तो बेस्ट लाता है क्योंकि देश अपने अपने चाहेंगे मेडल, तो अब उनके कॉन्फिडेंस को आपका कॉन्फिडेंस मैच करना चाहिए, ठीक है, वहाँ कोई इंडिविजुअली नहीं खेल रहा, वो आपकी गलती देश की गलती, आपकी जीत देश की जीत, आपकी हार देश की हार, तो ये चीज़ होनी चाहिए, तो वहाँ पे जब आपके जो पोजेस होना इतने ज़बरदस्त होने चाहिए और इतनी मैच्योरिटी दिखनी चाहिए उसके अंदर कि मतलब बॉडी तो आपकी ज़बरदस्त है
वो जितनी ज़बरदस्त है उससे कई गुना ज़्यादा ज़बरदस्त लगने लगती है जब आप परफेक्ट पोज देते हो। और जज वही चीज़ देखता, बॉडी अच्छी है, पोजिंग अच्छी है, कंप्लीट पैकेज है, इसको कैसे मिस कर दें? ये तो मिस हो ही नहीं सकता, ये तो टॉप 5 के अंदर पहले जाएगा फिर कंपैरिजन में। हाँ ऐसे तो देखना, सुन लिया आपने हॉर्सेस माउथ कि पूरा कंप्लीट पैकेज, बॉडी भी अच्छी, पोजिंग भी अच्छी, हाँ तक की फेशियल एक्सप्रेशन भी भाई बिल्कुल हर एक चीज़ हंसते हुए, आपका हेयर स्टाइल तक नोटिस किया जाता है यहाँ पे। तो बस सारा ग्रूमिंग से लेके सब कुछ गए, सो लॉन्ग वे टू गो बट हाँ करना है वो और हो जाएगा। एकदम 1 2 टच करना भाई, 3 नहीं हुआ टच, 4 हाँ 5 6 7 8 9 10। ये उनके लिए जो लोअर में मारने से घबराते हैं, कतराते हैं, बचते हैं भाई, ये उनके लिए